वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस एंड मैथ्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री, यहाँ जहाँ जिसमें हम आज देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में हमें पढ़ना क्या क्या है। सो ट्रिगोनोमेट्री सबसे पहले तो होता क्या है, तो ट्रिगोनोमेट्री में हम पढ़ते हैं साइड्स और उसके एंगल के रिलेशनशिप को। अब ये ट्रिगोनोमेट्री आया कहाँ से, तो ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक वर्ड से आया है जिसका ट्राई मीन्स थ्री मतलब होता है, गोन मीन्स साइड होता है, जिसके मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट को कहते हैं। सो तीन साइड्स के मेजरमेंट्स को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के। तो अब आते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के दोनों साइड का रेशियो जो इनके एक्यूट एंगल के बेसिस पर और उनके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उन्हें ही कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब ये कि राइट एंगल के साइड की रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं जो इनके एक्यूट एंगल के बेसिस पर निकालते हैं। इसमें अब हम बात करेंगे थीटा की। थीटा एक ग्रीक सिंबल है, इसे एंगल को रिप्रेजेंट कराने में यूज किया जाता है। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जिसका नेमिंग कर लिया ए बी एंड सी। यहाँ हमने थीटा नाम का एक एंगल सपोज कर लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया थीटा एक ग्रीक सिंबल है, इसे हम लोग यूज करते हैं किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने में। सो अब हम इस एंगल के थ्रू हम इसके साइड्स को देखेंगे और फॉर्मूलेज को देखेंगे। सो यहाँ पे हमने एंगल सी की जगह थीटा को सपोज कर लिया, एंगल सी ना बोलकर हम इसे एंगल थीटा बोलेंगे। सो इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रेफरेंस, जिसके थ्रू हम इस ट्रायंगल में इसके परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को देखेंगे। सो इस एंगल के सामने वाले साइड को, इस वाले साइड को थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं और इससे लगे हुए साइड को बेस बोलते हैं और इस 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस बोला जाता है। सो लेट मी राइट, यहां P का मतलब परपेंडिकुलर है और B का मतलब बेस है और H का मतलब हाइपोटेनस है। सबसे पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखेंगे जिसमें हम लोग को पढ़ना होता है कि साइड का रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमें पढ़ना होता है कि ये साइड के रेशियोज होते हैं 90 डिग्री वाले ट्रायंगल के। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है ना 5:7, ये होता है रेशियो, वैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 5/7, वैसे ही होता है इनका रेशियो। जैसे अब हम एग्जांपल के तौर पर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इन सभी का देखेंगे। तो साइन थीटा का हमें पता है कि साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, सो पी बाई H, और cos थीटा का होता है बेस बटा हाइपोटेनस, सो V बाई एच। टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, मतलब P बाई बी। सो साइन थीटा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर का नेम क्या है, यहाँ पे हम इस ट्रायंगल में देखेंगे तो AB नेम है, AB अपॉन हाइपोटेनस का नेमिंग क्या है, AC नेम है, AC। तो ये है साइड के रेशियो, इनके रेशियोज को हमने सिर्फ ऐसे कर दिया है इसके बेसिस पर। अब आते हैं कॉस के, तो कॉस का बी बटा एच, तो बी बी नेम क्या है, बी का बेस का बी सी नाम है और हाइपोटेनस का ए सी, बी अपॉन ए सी। ऐसे ही टेन थीटा पर आएंगे पी बाई बी, तो पी मीन्स इसका नेमिंग क्या है, ए बी नेम है, बी का नेमिंग क्या है, बी सी नेम है। अब ऐसे ही हमें मिलता है सेक थीटा कॉट थीटा,
अब इनके देखते हैं रेशियोज को। तो कौशिक का होता है एच बाई पी, एच बाई बी एंड एच बाई और सॉरी बी बाई पी। इनके ये रेसिप्रोकल होते हैं, जस्ट उल्टा होते हैं ये इनके। P बाई एच है तो H बाई पी, कॉस है B बाई एच तो सेक होगा H बाई बी, टेन है P बाई बी तो कॉट होगा B बाई पी। सो अब इनके साइड के नेम को लिखेंगे। तो H हाइपोटेनस का नेम है ए सी, अपॉन P परपेंडिकुलर का नाम है ए बी, वैसे ही हाइपोटेनस ए सी अपॉन बेस बी सी, वैसे ही बेस बी सी अपॉन परपेंडिकुलर ए बी। पिछले नोट में जैसा कि हमने देखा उसके आगे देखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू वन बाई कॉसिक लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ देखा था थीटा पी बाई एच होता है और कॉसिक थीटा एच बाई पी होता है, मतलब साइन कॉसिक का रेसिप्रोकल है। सो हम लोग साइन थीटा इक्वल टू वन बाई कॉसिक थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू वन बाई कॉसिक थीटा करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं कॉसिक इक्वल्स टू एच बाई पी, एंड आफ्टर ये पलट जाएगा और पी अपॉन एच देगा जो कि साइन का वैल्यू होता है। साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच होता है, इसीलिए इसकी वैल्यू पी अपॉन एच, वन बाई कॉसेक की वैल्यू पी अपॉन एच आ गई और साइन थीटा की वैल्यू पी अपॉन एच होती है, इसीलिए साइन थीटा इक्वल टू वन बाई कॉसेक थीटा होता है। अब ऐसे ही सभी को रेसिप्रोकल करा देंगे। अब ऐसे देखेंगे कॉसेक थीटा इक्वल्स टू वन बाई साइन थीटा होगा, वैसे ही कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई सेक थीटा होगा, सबका रेसिप्रोकल होता है क्योंकि वैल्यू, और सेक थीटा इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा वन बाई कॉस थीटा। अब आते हैं टेन थीटा इक्वल टू वन बाई कॉट थीटा होगा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये उल्टा होता है। कॉट थीटा वैसे ही वन बाई टेन थीटा होगा। अब हम बात करते हैं टेन थीटा को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये कैसे? तो ये ऐसे, साइन की जगह वैल्यू रख दीजिए पी बाई एच और कॉस की जगह रख दीजिए बी बाई एच, ये रेसिप्रोकल होकर h बाई बी बन जाएगा जो यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा और मुझे देगा p अपॉन बी। सो tan थीटा इक्वल टू p अपॉन बी होता है, इसीलिए इसकी वैल्यू भी p अपॉन बी ही मिली और tan थीटा की वैल्यू भी p अपॉन बी होती है। सो हम लोग tan थीटा को इस वे में भी लिख सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसे याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ, टी रेशियोज को याद करने की। साइन थीटा की वैल्यू होती है पी बाई एच, सो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा कर दें तो साइन थीटा की वैल्यू होती है पी बाई एच और कॉस थीटा की वैल्यू होती है बी बाई एच, और जैसा हमने देखा टेन थीटा की वैल्यू होती है पी बाई बी। तो अगर हम इन तीनों को याद कर लेंगे तो बाकी तो रेसिप्रोकल होता है, तो जैसे रेसिप्रोकल होगा वो हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी,
और 10 का रेसिप्रोकल कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी।